Hello friends, welcome to Computer and General Studies by E.R. Sonia. Friends, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्क्रीन पर दिए हुए रेड बटन को क्लिक करें और फिर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें. वेलकम टू कंप्यूटर एंड जनरल स्टडीज़ बाय इंजीनियर सोनिया. आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एच टेट है, सी टेट है, नेट है, या कोई पुलिस का एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम है. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा इंडियन हिस्ट्री नहीं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको उस टॉपिक में से और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. सिर्फ उतना ही याद कर लें जो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो पूरा देखें सो दैट आपको पता चल जाए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है ये वीडियो देखने के बाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे. इंडियन हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है हमारी, जो कि 2350 से 1750 बीसी तक थी. ठीक है, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा फ्रेंड्स कि ये जो टाइम है ना 2350 1750 बीसी, ये थोड़ा कुछ वेरी भी करता है, कुछ बुक्स में थोड़ा सा अलग भी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है. ठीक है ना, 2350 से 1750 बिफोर क्राइस्ट तक ही है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी सबसे पहले. ठीक है, जहाँ से हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पढ़ना. इंट्रोडक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन 1921 में. इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहली साइट थी ना, जो एक्सकवेट हुई थी, जो सबसे पहले मिली थी जो साइट, वो हड़प्पा थी. ठीक है, और 1921 में जो है मिली थी. इसके बाद है, इट वॉज एक्सकवेटेड बाय द दयाराम साहनी. किसके सुपरविजन में हमने इस साइट की खुदाई की थी, दयाराम साहनी के सुपरविजन में. ठीक है, नेक्स्ट है, दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज या फिर कैलकोलिथिक एज. ये जो सिविलाइजेशन को और हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं या कैलकोलिथिक एज भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको. और पीपल ऑफ द हड़प्पा न्यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टारकोल. और क्या हमें पता चला कि इस समय के जो लोग थे उनको टारकोल बनाना आता था. ठीक है, और क्या है, 16 अग्निकुंड्स हैव बीन फाउंड हेयर. और 16 अग्निकुंड्स भी पाए गए थे इस टाइम में. आगे है, इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स जो खुदाई के टाइम में हमें पता चली और क्या उनकी सिचुएशन थी, कौन सी रिवर के बैंक पे वो हमें मिली थी. ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले जैसे हड़प्पा, हड़प्पा वाली सिटी जो हमें कहाँ मिली थी, ये मिली थी हमें मोंटेगोनरी से. और ये है अब पंजाब में, और जो पार्ट अब पाकिस्तान में चला गया है ये वहाँ पर है. कौन सी रिवर के किनारे पर, रावी रिवर के किनारे पर. ठीक है, आगे है, मोहनजोदाड़ो नाम की सिटी, ये मिली थी हमें लरकाना सिंध, ये भी एरिया अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है. ठीक है, और ये कौन सी रिवर के साथ था, इंडस रिवर के साथ. ठीक है, आगे है लोथल. लोथल जो है ये अहमदाबाद के नज़दीक मिला था और ये साबरमती और भोगना रिवर के पास है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे है मोहनजोदाड़ो के बारे में. एक तो हड़प्पा जगह है और एक है मोहनजोदाड़ो शहर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 अंडर द सुपरविजन ऑफ आर डी बनर्जी. ठीक है, ये किन की सुपरविजन में डिस्कवर हुआ था फ्रेंड्स, आर डी बनर्जी. ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पेपर में पूछे भी जा चुके हैं कि ये किसके सुपरविजन में डिस्कवर हुआ था और कब हुआ था. ये हुआ था 1922 में. ठीक है, आगे है, सेवन लेयर्स ऑफ द मोहनजोदाड़ो सिटी डायरेक्ट्स दैट द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट सेवन टाइम्स. ठीक है, ये जो सेवन लेयर्स हमें जो खुदाई के टाइम पे मिली हैं, ये हमें क्या बताती हैं कि मोहनजोदाड़ो जो सिटी है इसको 7 बार तोड़ा गया है और 7 बार फिर से दोबारा बनाया गया है. ठीक है, और क्या क्या मिला है हमें यहाँ पर, अ ग्रेट बाथ, अ बिग हॉल, अ स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल हैव बीन फाउंड हियर. ठीक है, एक बहुत बड़ा बाथ और एक बहुत बड़ा हॉल और एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है. ठीक है, आगे है, अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ 10-12 पॉइंट्स बता रही हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिलेक्टेड हैं बिल्कुल, ये याद रख लें आप, पेपर में इन्हीं में से पूछा जाता है. ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है,
टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल फीचर। उस टाइम में जो है टाउन की प्लानिंग करना कि क्या स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने में लोग बहुत माहिर थे उस टाइम, उन्होंने बहुत अच्छा बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो लोग उस टाइम में रहते थे। जैसे दिस सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, और इसीलिए इसी सिविलाइजेशन को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पहली अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिटीज वर डेवलप्ड इन ब्लॉक पैटर्न्स और द चेसबोर्ड पैटर्न्स में। कैसे बनाया हुआ था शहरों का नक्शा, उन्होंने एक स्क्वायर टाइप में बनाया हुआ, जैसे चेसबोर्ड होता है, जैसे कोई रोड वहाँ से देखें तो रोड के जो टर्न्स आते हैं ना वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल पर मिलते हैं, टर्न्स मिलते हैं, तो स्क्वायर टाइप में बनी हुई थी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम। और पीपल वर वेरी कॉन्शियस ऑफ हाइजीन, पीपल जो है साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे साफ सफाई का उस टाइम के जो लोग थे। आगे है, कंप्लीट ब्यूरल वॉज द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ डेड, कोई डेड बॉडी है तो क्योंकि हाइजीनिक बहुत थे, साफ सफाई बहुत रखते थे उस टाइम के लोग, तो उनको जो है कंप्लीट दबा देना, ठीक है, उसी में वो जो डेड थिंग्स हैं उनको अच्छे से दबा देना, वो उनका बहुत कॉमन था उस टाइम में। इट वॉज एन एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन, और उस टाइम के लोगों का मेन प्रोफेशन क्या था, वो था खेती, लोग जो है एग्रीकल्चर प्रोफेशन था, खेती करते थे ज़्यादा, अपने जीविका के लिए जो है खेती पर डिपेंडेंट थे। हम्पलेस बुल और द यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, उस टाइम का बहुत कॉमन एनिमल कौन सा था, हम्पलेस बुल और फिर या फिर यूनिकॉर्न, बैल, बैल से खेती ही करते थे वो लोग, हल था उस टाइम, बैल था। ठीक है, आगे है, कॉटन वॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस एरिया, और उनकी मेन खेती क्या थी, कॉटन, तो कॉटन सबसे पहले जो है प्रोड्यूस हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है, देयर मोस्ट आर्टिस्टिक वर्क इज सील, स्क्वेयर इज द शेप, उनका जो मोस्ट आर्टिस्टिक जो वर्क था ना वो सील, ये कुछ कॉइन्स टाइप थे, इनके ऊपर जो है कुछ चित्रकारी उन्होंने की हुई थी। ठीक है, तो ये इनका सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क था, टैलेंट था उस टाइम के लोगों का। आगे है, दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन, उस टाइम के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। दे वर्शिप पीपल ट्री, और उस समय के लोग जो है पीपल ट्री को बहुत ज़्यादा मानते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। लास्ट है, दे न्यू राइटिंग एंड देयर स्क्रिप्ट इज़ नॉट अल्फाबेटिक बट पिक्टोग्राफिक एंड कंसिस्ट ऑफ 400 सिम्बल्स, उस टाइम के लोग लिखना भी जानते थे और उनकी लिखाई की जो स्क्रिप्ट थी वो अल्फाबेटिक नहीं थी जैसे हमारी है, दैट इज़ पिक्टोग्राफिक थी, जिसमें जो है 400 तरीके के सिम्बल्स यूज़ किए गए थे, तो वो हमें खुदाई के टाइम पर वो स्क्रिप्ट भी मिली है और वो 400 तरीके के सिम्बल्स भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है शेयर करें, लाइक करें और अपनी फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट मिस एनी लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।